I'm coming. नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है JGD टेक्निकल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास दूसरे का फ़ोन ओनली 10 सेकंड या 10 सेकंड की क्या बात करूँ, ओनली 5 सेकंड भी आपके पास दूसरे का फ़ोन आ जाए ना, तो आप उसकी जो फ्यूचर में जो होने वाली चैटिंग्स है उसको पढ़ सकते हो, या आप अगर एक पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हो उस एप्लीकेशन के जरिए। तो आज मैं यही ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि आप चेक भी कर सकते हो अगर आपका व्हाट्सअप कोई हैक कर रखा है, यानी कि जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि हैक कर रखा है या पढ़ रहा है आपकी कोई चैटिंग, सॉरी, मगर इसका गलत उपयोग बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और इसका आप पता भी कर सकते हो, हाँ भाई मेरे फ़ोन में ये हो रहा है। एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप वेब, तो हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप वेब के नाम से, WHATS व्हाट्सएप वेब के नाम से ये आ चुका है। और आपको ये जो सबसे टॉप में एप्लीकेशन दिख रहा है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये 1.5 MB की फ़ाइल है लगभग, ये बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पूरा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं अभी इसे करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास ये एक QR कोड आएगा जिसको आप दूसरे फ़ोन से स्कैन करेंगे, तो उस दूसरे फ़ोन का पूरा व्हाट्सएप आपके इस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वेट करने के लिए, हम थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक QR कोड आ चुका है मेरे पास व्हाट्सएप का, तो आप इसे दूसरे फ़ोन से स्कैन करेंगे तब पूरा व्हाट्सएप आपके पास आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूं अभी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब इसको स्कैन करूंगा, तो मैंने ये दूसरे फ़ोन से किया स्कैन। दूसरे फ़ोन से स्कैन करते ही उस दूसरे फ़ोन का जो व्हाट्सएप है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे भी टच वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली दूसरे फ़ोन से इसको स्कैन किया है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको स्कैन कैसे करना है। मैंने स्कैन कर दिया है और दूसरे फ़ोन का व्हाट्सअप मेरे इस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे को पूरी 5 सेकंड भी नहीं लगी और मैंने उस अगले वाले फ़ोन का पूरा व्हाट्सअप इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसका व्हाट्सअप पूरा आ चुका है मेरे पास। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगले का जिसका मैंने किया है उसका व्हाट्सअप पूरा मेरे पास आ चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। अब आपको जाना है व्हाट्सएप में, अब जो आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है आपको। और अगर आपको स्कैन करना है तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। और जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप वेब के नाम से वो ऑप्शन है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का कैमरा ओपन हो चुका है, जो वो QR कोड था आपको इसी से स्कैन करना है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता करना है कि मेरे फ़ोन का अगर किसी ने QR कोड स्कैन कर रखा है, तो इस 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और फिर वापस व्हाट्सएप वेब पे जाइए। अगर आपका किसी ने पहले से ट्रांसफ़र कर रखा होगा तो ये कैमरा ओपन नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा एक लॉग आउट का ऑप्शन, तो आप वहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो अगले फ़ोन से आपका पूरा व्हाट्सएप हट जाएगा। जिस हिसाब ना हस दिया वो लग दी पंजाब दिया जिस हिसाब ना